सत श्रीकाल जी, आज जो वर्ल्ड कैंसर केयर है ये पहुंच गई है अगेन नागपुर में, यह नरेंद्र नगर लक्ष्यदेव की ग्राउंड है जी। और इसके अंदर जो बहुत बड़ा शिविर हमारी ओर से जो चल रहा है, यहाँ पे माननीय गडकरी साहब के दिशा निर्देशों के अंतर्गत की सारी टीम हमें मूव कर रही है। और पूरे की बसों की कार्रवाई आप देख सकते हो, पूरी की पूरी बसों की जो कार्रवाई हम लोग लेके पहुँचे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हर वर्ग के, हर समाज के लोगों का जो है वो चेकअप किया जाए, उसी के अंतर्गत ये सारी बसें यहाँ पे पहुँची हुई हैं। और आज हमारा लास्ट कैंप है नागपुर में, इसके बाद हम मूव करेंगे भोपाल होते हुए कोटा निकलेंगे, कोटा से हम लोग जाएंगे बीकानेर। तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है कि पूरे पैन इंडिया में जो है कैंसर अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन का जो है वो संदेश दिया जाए, और उसी संदेश को मुख्य रखते हुए जो कुलवंत सिंह धारीवाल जी हैं हमारे जो फाउंडर हैं, उन्होंने ये पूरा मार्गदर्शन हमें दिखाया, और पूरे 65 किलोमीटर की जो स्वस्थ भारत यात्रा है वो कर रहे हैं, और जिनकी इनॉग्रेशन माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने नागपुर में की थी। और ये जो यात्रा है ये लगातार कंटिन्यू रहेगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में ये जो ड्राइव है वो चलाई जाए, ताकि कैंसर से, कैंसर को पहले पकड़ा जाए, और जो बीमारियां तेजी से बढ़ रही है उनकी समय से रोकथाम हो सके। तो उसी के अंतर्गत ये सारा जो है काफिला बसों का जो ड्राइव चलती है, पूरे 50 कंपनियों की जो ड्राइव चलती है, वो जगह जगह पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दिखाता हूँ आपको क्या क्या लेके आए हैं और क्या क्या सुविधाएँ जो है हम आप लोगों को दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, बीपी शुगर हो रहा है, प्रॉपर सारी जो है वो सुविधाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं, डाटा रिकॉर्ड जो है मेंटेन किए जा रहे हैं, और दवाइयां मेडिसिन जो है वो बिल्कुल यहां पे देख रहे हैं आप, वो भी दी जा रही हैं। दो काउंटर हमारे रन होते हैं, इसमें एक मेल का होता है, एक फीमेल का होता है। और लिटरेचर बार बार मैं बताता रहता हूँ कि लिटरेचर की बड़ी वैल्यू है, अवेयरनेस की बहुत वैल्यू है। आप देख सकते हो कि अवेयरनेस जो है उसके लिए हमें लिटरेचर रखा हुआ है, और ये बार कोड है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके खुद भी चेकअप कर सकते हो कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी अपने आप को चेकअप करा सकती है। हमारे भाई बंधु पूरे जो समाज के लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और पहले रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद जो है डॉक्टरों के पास जो है वो टीम को भेजा जाता है, ताकि सारी जो है वो सुविधाएँ प्राप्त हो सके। आप देख सकते हो डॉक्टरों का जो है पूरा, यहाँ पर डॉक्टर साहबान जो हमारे बैठे हुए हैं, और जो एग्जामिनेशन जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, और बसों का पूरा काफिला जो है वो लेके वर्ल्ड कैंसर केयर पहुंची हुई है यहाँ पे। और हमारे साथ कुछ सदस्य भी हैं जो पहले दिन से ही हमारी जो है वो यहाँ पे हमारी जो एक तरह से पूरी आम बन के खड़े हुए हैं, उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊँगा। और ये काफिला है जी जो पूरे पैन इंडिया में घूमता है, 50 की टीम हमारी डॉक्टरों की रहती है, और ये पूरा का पूरा जो है जगह जगह जाके हम लोग जो है वो बताते रहते हैं लोगों को कैसे कैंसर बढ़ता है, कैसे जो है उसकी रोकथाम की जाती है। तो टीम जो है घूमती रहती है। मेरे साथ हैं डॉक्टर गिरीश, जो पहले दिन से ही गडकरी साहब ने इनको जिम्मेवारी सौंप रखी है। सर, आप पहले दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या आज का 8वां कैंप था, लास्ट कैंप है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश सरडे, नागपुर में बाल रोग तज्ञ हूँ, और इस मुहिम का हिस्सा बनाने के लिए आदरणीय नितिन जी गडकरी जी का मैं दिलपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर कुलवंत धालीवाल जी से जब हम मिले थे नागपुर के प्रवास के दरम्यान, तो उन्होंने एक इच्छा रखी थी कि हमारी कैंसर की वैन जो सब डिटेक्ट करती है, और 6500 किलोमीटर का सफ़र अभी तक के हमने तय किया है, काफ़ी लोगों तक हम पहुंचे भी हैं, और अभी भी काफ़ी लोग इस जांच से वंचित है, और उनके तक ये पहुँचने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन हमने जब साझा किया, तो आदरणीय नितिन जी ने कहा कि ये हमारे नागपुर में भी होना चाहिए। और इसी संकल्पना को लेके जब नितिन जी के साथ यहाँ पे बैठकें हुई, हम सभी डॉक्टरों से मिले, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष थे, हमारे आमदार थे, नागपुर के काफ़ी प्रतिष्ठित नागरिक भी थे, डॉक्टर्स भी थे, उन सभी को हमने साथ लिया, और आज यहाँ पे हमने कैंप का आयोजन किया। गत 8 दिनों से नागपुर के विभिन्न भागों में हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। नागपुर करों ने भी इसका बहुत तहे दिल से स्वागत किया, और इसको उत्स्फूर्त प्रतिसाद देते हुए उन्होंने अपनी जाँच करा ली। आज इस मुहिम का आखिरी दिन है, और हम दक्षिण पश्चिम नागपुर जो मतदार संघ है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके क्षेत्र में हम आज खड़े हैं, और आज कुछ ही समय में वो भी शायद विजिट कर सकते हैं इस कैंप के लिए। और हम सभी को इस माध्यम से आह्वान करते हैं कि अपनी जांच, कैंसर का उपचार और इलाज संभव है, अगर आप उसकी जांच करा लें, आप उसका निदान सबसे पहले करें, आपको सबसे पहले पता चले कि आपके शरीर के अंदर ऐसी कोई बीमारी है जो आपको भविष्य में तकलीफ देने वाली है। और इसी संदर्भ को लेते हुए वर्ल्ड कैंसर केयर सोसाइटी, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था के माध्यम से ये सारे कैंप हम महाराष्ट्र में लेके जाएंगे। महाराष्ट्र की जनता के लिए हम आह्वान करते हैं कि इस प्रकार के कैंप का आयोजन जबकि आपके सिटी या शहर में होगा, आप इसका अवश्य लाभ लें।
गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का विशेष आभार हम इसलिए प्रकट करते हैं कि उन्होंने सातों आठों दिन इन सभी सेवादार जो डॉक्टर थे, सिस्टर थे, कर्मचारी थे, उन सभी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा, उनका भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की, और आने वाले समय में भी हम उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में और इस मिशन में हम उनका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे डॉक्टर गिरीश, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे जो है वर्ल्ड कैंसर केयर मूव कर रही है, और आगे बढ़ते हुए हम और भी यहाँ पे सदस्य हैं उनके भी आपको बताएंगे उनके क्या विचार है। मकसद वर्ल्ड कैंसर केयर का यही रहता है कि घर घर जाके लोगों को जागरूक किया जाए। तो आगे बढ़ते हुए मेरे साथ हैं सरदार ओंकार सिंह जी, जो नागपुर वर्ल्ड कैंसर केयर को लीड कर रहे हैं, उनके पास भी जाते हैं। सर, क्या विचार हैं आपके वर्ल्ड कैंसर केयर नागपुर में आई है? सबसे पहले तो हम थैंकफुल हैं वर्ल्ड कैंसर के कुलवंत सिंह धालीवाल जी के और पूरी टीम के, इतना बेस्ट काम हम लोग शायद कर ही नहीं पाते हैं, हमारे को इनसे सीखने को मिला है बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, यहाँ पर आने के बाद में हमारे लोगों को अवेयरनेस का इतना ज़्यादा फायदा हुआ ताकि आने वाले समय में हम लोग कैंसर से बच सकते हैं। ये सारी सेवाएँ और फ्री में बोलने से लोग आए हैं चेकअप कराने के लिए, तो उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। कई लोगों को ऐसे मन में डर था कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, हाँ है। तो मेरे साथ ओंकार सिंह जी हैं और ये गुरुद्वारा कमेटी की ओर से और नागपुर वर्ल्ड कैंसर केयर की ओर से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं सबसे पहले थैंक्सफुल हूँ आपकी पूरी टीम का, WHO का, कुलवंत सिंह जी धालीवाल का, और उनकी ये जो आई हुई टीम है, डॉक्टर टीम, जिसमें धर्मेंद्र ढेलो जी एंड डॉक्टर शालिनी इसको सारे कमांड कर रहे हैं। ये जो वर्क आप लोगों का है, हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। धालीवाल जी को YouTube पर बोलते हुए तो बहुत सुना था कि भाई हमने लंगर लगाए हुए हैं दवाई के, तो ये सारे लंगर लगे हुए देख लिए। लेकिन इससे इतना बेनिफिट हमारे लोगों को हुआ है कि चेकअप कराने से आप लोग कैंसर से बच सकते हो। अवेयरनेस हमारे पास में जो उन्होंने दिया है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि वे हमारे पास हमेशा आते रहें, हम इनको क्या सहयोग कर सकते हैं हम लोग करने के लिए तैयार हैं। वेलकम टू WHO एंड होल टीम, आप लोग आइए, आपका स्वागत है, और हमारे लोगों को यहाँ पर इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू। तो काफ़ला लगातार आगे बढ़ता हुआ आज भोपाल की ओर मूव करेगा और कोशिश करेंगे कि कोटा होते हुए बीकानेर जो है पहुंच के सुविधाएं दी जाएं। मेरे साथ हैं सरदार गुलदयाल सिंह पड्डा जी, ये भी वर्ल्ड कैंसर केयर के सदस्य हैं, नागपुर के हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, 8 दिन आपने पूरे अपने कार्य करवाया जी। WHO की तरफ से जो ये अभियान चलाया गया है और जो हमारी टीम जलंधर से नागपुर पहुँची है, पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं यहाँ पर। इन्होंने जो ये 8 दिन का कैंप लगाया है, इस कैंप के अंदर में बहुत लोगों ने लाभ लिया यहाँ पर, जिसकी हमें बहुत खुशी है, और हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लिया जाए। ये ऐसा उपराला है जी कि आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जो टीम ये काम कर रही है, ये आम आदमी के बस का नहीं है। यहाँ हम लोग इतने हम 55 साल से नागपुर में रहते हैं, और 55 साल से यहाँ पर लोग इतने पॉलिटिक्स में हम लोग जुड़े हुए हैं, पर बहुत कम ही ऐसी केयर का कोई प्रबंध होता है। जो ये वर्ल्ड कैंसर केयर वालों ने ये जो उपराला किया है, ये बहुत ही लाजवाब है। हम चाहते हैं कि ये इनको वाहिगुरु इनकी जा हेल्प करे, और ये अच्छे से अच्छा और करते रहे। हमें उम्मीद है, अब ये आए हैं, अगली बार हम चाहते हैं कि और बड़े स्केल के ऊपर इसको हम लोग आगे इसका प्रचार करके ये हम लोग उसका अभियान चलाएंगे। यही मेरी कामना है इनसे, और जो जितनी कैंसर टीम यहाँ पर आई है, कैंसर केयर टीम, और सरदार कुलवंत सिंह जी धालीवाल डॉक्टर साहब जो है, जिनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, जिन्होंने ये उपराला श्री नितिन गडकरी जी के साथ में मिलकर किया है। हम लोग चाहते हैं कि आगे भी ऐसे उपराले होते रहें। धन्यवाद। तो ये थे गुरदयाल सिंह पड्डा जी, जो वर्ल्ड कैंसर केयर नागपुर को लीड करते हैं, उनके सहयोगी भी हैं वर्ल्ड कैंसर केयर के। और मुहिम के लिए हमें चाहिए होते हैं हर एरिया से बंदे जो हमें सपोर्ट करते रहे, तो इनका बहुत बड़ा ओंकार सिंह जी का, गुरुद्वारा कमेटी का, सबका सहयोग रहा। तो आगे का टूर जो है वो बीकानेर का है, मैं लेके चलता हूँ और भी सदस्य जिन्होंने अपनी इसमें पूरा सहयोग दिया है, उनसे भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। तो मेरे साथ अजय जी हैं, जो पहले दिन से हमारे सारथी की तरह काम कर रहे हैं, हमें गाइड करते हैं। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे, 8 दिन वर्ल्ड कैंसर केयर आपके पास थी? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी वैदिक अघाड़ी से, एंड वर्ल्ड कैंसर सोसाइटी, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी नागपुर, और भानुताई गडकरी चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से ये कैंसर अवेयरनेस, डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया।
जिसमें कि डॉक्टर ढिल्लन और उनका टीम जो वर्ल्ड कैंसर सोसाइटी से आया हुआ है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। विगत 8 दिनों से ये कैंप्स ऑल अक्रॉस नागपुर आयोजन किया गया, जिसमें कि काफ़ी अच्छी मात्रा में लोगों ने आके इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठाया, उसके लिए हम वर्ल्ड कैंसर सोसाइटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे कैंप्स वो इसके बाद भी ऑर्गेनाइज करें एंड दे विल बी हियर एट नागपुर बैक अगेन, जिससे कि एक कैंसर मुक्त सोसाइटी हो और निरोगी स्वस्थ नागपुर हो। धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद अजय जी। तो देख सकते हैं कि आप लोकल जो लोग हैं, जो गलती साहब की टीम है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है हमें, और तभी जो मुहिम है नागपुर में ये 100% कामयाब हुई है दोस्तों। क्योंकि हमारा जो काम है बेसिकली हेल्थी लोगों को चेक करना होता है, उनके जो है क्वेश्चन उनसे पूछने होते हैं, उनको गाइड करना होता है, तो सिम्टम जो है हमने उनसे पूछने होते हैं, उनको गाइड करना होता है, उनकी जांच करनी होती है। तो अलग अलग डॉक्टरों के कैबिन जो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो चेकअप कर रहे हैं, उनकी जो जाँच है वो प्रॉपर तरीके से की जा रही है, 1-to-1 जो है काउंसलिंग की जा रही है, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है वो रह ना पाए, ताकि प्रॉपर ढंग से जाँच की जाए। और ये मुहिम पूरे इंडिया में घूम रही है दोस्तों, पूरे इंडिया में घूम करते हमारी वेबसाइट है worldcancercare.co.in, वहाँ पे जाके लॉगिन करके आप इसका पूरा जो है शेड्यूल जो है वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मेमोग्राफी करवा रहे हैं, वीडियो वैन यहाँ पे लगी हुई हैं, आइज़ का वैन यहाँ पे लगी हुई है, बोन स्कैन की वैन जो है वो लगी हुई है, जो सारी की सारी वैन है वर्ल्ड कैंसर केयर प्रोवाइड करवाती है। तो लगातार आगे बढ़ते हुए देखिए, आइज़ की वैन है, ये गडकरी साहब की है, डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं हमारा, और ये जो है सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। मेरे साथ मीडिया इंचार्ज हैं जो गणपति साहब के हैं, अपना मैडम नाम बता के और प्लीज़ बताइए क्या कैसा रहा आपका पूरा 8 दिन। मैं शिवांगी गर्ग बीजेपी मेडिकल विंग से जुड़ी हुई हूँ, सोशल मीडिया संभालती हूँ, एंड पिछले 6 दिन से हम देख रहे हैं कि कैसे डॉक्टर ढिल्लन जो कुलवंत सिंह जी धालीवाल सर के साथ काम कर रहे हैं, कैसे अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवाएँ दे रहे हैं, और इतना अच्छा सुचारू रूप से सब चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत स्मूथ रनिंग है, सालों साल ये ऑपरेशंस इन्होंने ट्रायल एंड टेस्ट किए हैं, इतनी स्मूथ रनिंग है। नए शहर में आना, इतना अपनी लैंग्वेज को छोड़ के आना, उसके बाद भी उसी माहौल में ढल जाना बहुत ही कमेंडेबल है, एंड वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड एंड दे हैव ग्रांटेड आर विश कि वो फिर से आएंगे नागपुर, एंड वी होप वो अगली बार आएँ तो थोड़ा सावजी ट्राई करें, फिर मज़ा आएगा उनके साथ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे शिवांगी जी, और जिन्होंने पूरा बताया कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा उनका। तो दोस्तों हमारा जो काम होता है बेसिकली घर घर जाके जांच लोगों को देना, उनकी जो है वो प्रॉपर तरीके से जांच करनी। देख सकते हो बसों का पूरा काफला जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ, आई स्क्रीनिंग वैन है, आप देख सकते हैं कि आई स्क्रीनिंग वैन में टेस्टिंग जो है वो की जा रही है, ये लेबॉर्ट्री है वहाँ पे, जो लेबॉर्ट्री जो लैब टेस्टिंग है वो परफॉर्म की जा रही है, जांच की जा रही है, सैंपल जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो यही एक रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है जाँच की जा रही है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी तादाद में लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड कैंसर केयर, जैसे बताया कि मैंने पूरे नागपुर में अपना काम जो है कंप्लीट कर चुकी है, 8 कैंप हमने यहाँ पे किए थे, पूरे नागपुर सिटी को हमने चेकअप करने की कोशिश की थी, और उसमें हम सक्सेसफुल भी हुए हैं, काफ़ी डिमांड है लोगों की, आगे फिर आएंगे दोबारा अक्टूबर मंथ में, नवंबर मंथ में। मेरे साथ ओंकार जी हैं, मेरे साथ गुरदयाल सिंह जी हैं, काफ़ी उन्होंने जो सपोर्ट भी किया, और हम चाहते हैं कि अगर आप भी अपना अपने गाँव में अपने क्षेत्र में कैंप लगवाना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दिए नंबरों पर कॉल करें, या अपना मोबाइल नंबर और अपने तहसील जिले का नाम जो है मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचेंगे। अगले शेड्यूल की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है worldcancercare.co.in, वहाँ लॉगिन करके आप अपकमिंग कैंप का जो है वो शेड्यूल देख सकते हैं। डोनेट अस की ऑप्शन है, डोनेट भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, इनके कैंसर पेशेंट है वो जानकारी लेना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं। तो सारा का सारा पेपर हमारी वेबसाइट है worldcancercare.co.in, वहाँ पर अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले कैंप में, धन्यवाद।